बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम लेके आए हैं, जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कह सकते हैं, या इसको विसंयोजन का सिद्धांत भी कहते हैं, या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी हम लोग कह सकते हैं। अभी इसको समझने के लिए हम लोग पहले एक मोनोहैबिट क्रॉस को समझते हैं। जैसे ये जो आपको एक एग्जांपल दिखाया जा रहा है, इसमें अगर कैपिटल बी जो कि ब्राउन आइज़ के लिए है, उसको जब स्मॉल बी से क्रॉस करते हैं, तो पहली पीढ़ी में सभी जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो कैपिटल बी स्मॉल बी होंगे, जो कि ब्राउन कलर में होंगे। इसका मतलब कि ब्राउन कलर जो है वो स्मॉल बी या ब्लू कलर के ऊपर प्रभावी है। और अगर ये फर्दर कैपिटल बी स्मॉल बी इनटू कैपिटल बी स्मॉल बी अगर होता है, जैसे कि ये एक हमें चेकरबोर्ड दिखाई दे रहा है, तो इसमें एक हमको कैपिटल बी दिखेगा, दो कैपिटल बी स्मॉल बी दिखेंगे और एक स्मॉल बी आएगा। इसमें से कैपिटल बी तथा कैपिटल बी स्मॉल बी वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो ब्राउन कलर के होंगे, और स्मॉल बी जो है वो ब्लू कलर का होगा। इस सिद्धांत में ये पता चलता है कि हाइब्रिड में जब दो अलग अलग प्रकार के एलील एक साथ आते हैं, तो एक जो है वो दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव डालता है, उसको प्रकट नहीं होने देता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, या ये ब्लेंड हो जाते हैं, या इनमें स्मॉल बी का जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो गया। उसको जैसे ही मौका मिलता है अगली पीढ़ी में, जब स्मॉल बी अलग हो जाता है और फिर से ब्लू कलर आ जाता है। इसमें ये पता चलता है कि जिस समय युग्मक का निर्माण होता है, उस समय ये कारक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, या अलग अलग हो जाते हैं, या सेग्रीगेट हो जाते हैं। इसीलिए इसको प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। इसको फिर से हम लोग समझते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है। हमें पता है प्रत्येक इंडिविजुअल के अंदर एक ही कैरेक्टर के दो ट्रेट्स होते हैं, जिसको हम लोग अलील्स भी कह सकते हैं, और ये अलील जिस समय गैमेट फॉर्म होता है उस समय अलग अलग हो जाते हैं। जैसे अगर किसी में कैपिटल टी है, तो दो गैमेट्स बने, जो गैमेट्स बनेंगे उसमें कैपिटल टी, या अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो उसमें 50% जो है वो कैपिटल टी होंगे, 50% जो है वो स्मॉल टी के गैमेट्स का निर्माण होगा। और अगर स्मॉल टी उसके दोनों में है, तो जितने भी गैमेट्स बनेंगे वो सभी स्मॉल टी होंगे। मतलब कहने का मतलब है कि प्रत्येक गैमेट में एक फैक्टर होता है, और जब फर्टिलाइजेशन होता है और जो नया इंडिविजुअल बनता है उसमें फिर वो जो है वो दो फैक्टर्स आ जाते हैं एक ही कैरेक्टर के लिए, जो कि एक स्पर्म से और एक एग से आएगा, या हम कह सकते हैं एक एग से और एक पॉलन से आ सकता है। इसको समझने के लिए हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, जिसमें एक टॉल प्लांट का ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस किया जाता है। पहली पीढ़ी में प्योर पॉल जो टॉल प्लांट है वो कैपिटल टी है, होमोजाइगस टॉल है, जिसका क्रॉस ड्वार्फ से कराया जाता है। ड्वार्फ प्लांट हमेशा स्मॉल टी होगा। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी होता है तो वो टॉल हो जाएगा, हेटरोजाइगस टॉल हो जाएगा। तो पहली पीढ़ी में प्योर टॉल मतलब कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी किया जाता है। तो पहली पीढ़ी में जितने भी प्लांट्स होंगे वो सभी टॉल होंगे। जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस आ गया कि जो एक कारक है दूसरे जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, एक एलील दूसरे एलील को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस आ गया। अब यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों इकट्ठे हैं, पर इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि स्मॉल टी का अस्तित्व ख़त्म हो गया या वो कैपिटल टी के बीच में मिक्स हो गया। बात यह है कि वो स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि फिर से जब अगर कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब कि दोनों हाइब्रिड प्लांट्स को जब हम लोग क्रॉस करते हैं, तो फिर ये गैमेट्स अलग अलग हो जाएंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो फीमेल प्लांट है, उसमें से एक कैपिटल टी एक में चला जाएगा और स्मॉल टी एक गैमेट में चला गया। और इसी प्रकार से
जो मेल प्लांट है उसमें भी कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग हो गया। और फिर जब जैसे ये चेकरबोर्ड आपको नज़र आ रहा है, इसमें आप देखिए कैपिटल टी एक साथ अगर आ जाता है तो ये टॉल है, ये प्योर टॉल बन गया। कैपिटल टी स्मॉल टी ये दो हैं, ये हेट्रोजाइगस टॉल, तो ये तीन प्लांट्स तो टॉल हो गए। कैपिटल टी भी टॉल हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल हो गया। तो देखने में ये तीनों ही प्लांट्स टॉल हैं, मतलब इनका फिनोटाइप जो है वो टॉलनेस का कैरेक्टर दिखा रहा है, तो ये टॉल है। पर एक तीन थ्री मतलब कि अगर हमारे पास जो रेशियो प्राप्त हो रहा है उसमें से 3:1 रेशियो में एक जो है वो हमें ड्वार्फ प्लांट भी मिल रहा है। एक मतलब कि जो रेशियो हमें प्राप्त हो रहा है वो 3:1, अगर तीन चौथाई प्लांट्स जो हैं वो टॉल हैं तो एक चौथाई प्लांट जो है वो हमें ड्वार्फ भी नज़र आ रहा है। अब ये ड्वार्फ कैरेक्टर इसीलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये अब अलग हो गया, उसका मतलब ये हुआ कि जब वो इकट्ठा था तो मिक्स नहीं हुआ था। ये जब भी गैमेट्स बनते हैं तो ये जो गैमेट्स में ये अलील्स अलग अलग हो जाते हैं और इसका अस्तित्व जो है बना रहता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमेशा यही होता है कि जब भी युग्मक का या गैमेट्स का निर्माण होता है तो ये जो एलील्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट या पृथक हो जाते हैं। अगर ऐसा ना हो तो फिर F2 पीढ़ी में जो अप्रभावी है या जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो प्रकट नहीं हो सकता था। जो अप्रभावी कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है वो इस बात का प्रमाण दे रहा है कि जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो ये अलील्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आज के लेक्चर में आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझा दिया है। कल हम लोग एक जो मेंडल का नया अगला नियम है जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या जिसको हम लोग स्वतंत्र अपवहन का सिद्धांत कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।